अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन के माननीय मंत्री श्री बमांग फेलिक्स जी का सुलभ के स्पर्शन में आप सबों की ओर से, सुलभ परिवार की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बड़ी खुशी है यहाँ आपने आने की कृपा की है और इतना समय दिया है आपने। जनरली जो प्रमुख लोग होते हैं समय का अभाव होता है, एक आपने पूरे समय देकर सब चीज को देखा है, समझा है और बड़ा स्नेह किया। इतनी छोटी कम समय नहीं मिला है आपसे, आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रोबिन हिमी जी जो ज्वाइंट कमिश्नर है पुलिस के दिल्ली में और उनके श्रीमती जी हैं, उनका नाम नहीं दिया क्या इसमें, डॉक्टर दाम्पी ही होंगी तो डॉक्टर भी हाथ अफसर है और दांत के लिए है। आज दांत की बीमारी से बहुत बड़ी है लोगों, क्योंकि लोग जो खाते हैं तो मुंह धोते नहीं है, ये बीमारी सारी दुनिया में है, भारतवर्ष में नहीं, आज की परंपरा है। पहले खाते थे अच्छे से मुंह धोते थे, ऐसे ऐसे करके मुंह धोते, अब लोग धोते नहीं है, खाते बस बात खत्म हो गई। तो दांत की बीमारी इतनी बढ़ गई है बेटे काम नहीं है, तो अच्छा है कि आप आए हैं, तो आप सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने तो जो चीज देखा है, हम लोग 50 वर्षों से काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो हम लोग कर रहे हैं और यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, वहां के लोगों ने क्या किया कि करीब 7,000 लोगों को, 2,000 बच्चों को एक जहाज से बाहर कर दिया कि ताकि बाहर चले जाओ, पोलैंड से बाहर चले जाओ। वो जहाज जो है कैप्टन जहाज को लेकर घूमता रहा और कोई जहाज लगाने के लिए जगह नहीं दे रहा था। जो ब्रिटिश कॉलोनियां थी वो तो देती नहीं थी, और फिर ईरान गया वो जहाज, उसने भी लगने नहीं दिया। तो भारत के जामनगर के राजा महाराजा दिग्विजय सिंह ने उस जहाज को लगने की अनुमति दी जामनगर। मुंबई भी हो गया जहाज, ब्रिटिश शासन था वहां पर मुंबई में, इसलिए उसने भी लगने नहीं दिया। जामनगर के राजा ने जहाज अपने यहां लगने दिया, उतारा उनको और 7,000 लोग थे, 2,000 बच्चे थे, सबको आश्रय दिया, खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया और करीब 7 से 9 वर्ष तक वो लोग वहाँ रहे। जब फिर आक्रमण खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, पोलैंड में फिर आने लगे, तब ये सब यहाँ से इस देश से वापस गए। तो सुलभ की परंपरा हमारी यही है, हम शौचालय सफाई के अलावे हम करुणा से, प्रेम से, दया से, सेवा से भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। हम अधीन का दुखियों को
ऐसे लोग जो समाज से छूट गए हैं उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज की रीतियों के कारण, कुरीतियों के कारण वो समाज से त्रस्त हैं उनको भी हम आगे ला रहे हैं। जिनके आंखों में आंसू थे उनके आंसू पोंछ रहे हैं, उनके होंठ पर मुस्कान ला रहे हैं। तो स्वच्छता, सफाई, शौचालय हमारा है ही है, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जो मेरा मुख्य विषय है, हमने कहा है स्वच्छता जो है वो महत्वपूर्ण है, सब चीज से ज्यादा कि स्वच्छता ही है सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वच्छता के धर्म कहा हम लोगों ने है। लेकिन साथ साथ है कि जब दया धर्म नहीं तन में मुखरा, दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। तो आईना में क्या देखना है, तुम्हारे में न दया है न करुणा है न लोगों के लिए पीड़ा है न सहानुभूति है, तो आईना में क्या देख रहे हो आप, अपना सूरत क्या देख रहे हो, क्या निहार रहे हो कि मैं कितना सुंदर हूँ, कितना अच्छा लगता है, लगती हूँ, उसमें कुछ नहीं है। यदि आप दूसरों की सेवा करते हो, दया करते हो, प्रेम करते हो, करुणा करते हो, तभी जाके एक अच्छा जीवन हो सकता है। तो हम स्वच्छता के साथ साथ एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम रसिक रहते हैं। आज की जो कविता पढ़ी गई है, आज की सुभाषितानी पढ़ी गई है, वो तो कितना बढ़िया है कि हम कहते हैं कि झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। झूठ बोलोगे फंसोगे, आज न फंसोगे कल फंसोगे, आज बच जाओगे कल नहीं बचने वाले हो। तो ये हम सिखलाते हैं कि आप सत्य बोलो, ट्रुथ बोलो, तभी जीवन पार लगेगा आपका। तो ये सत्य है, दया है, करुणा है, अहिंसा है, जो गांधी का ये हम लोग का अस्त्र है, जो ट्रुथ है, नॉन वायलेंस है। हमने वेद नहीं पा रहे हैं, कुरान नहीं पा रहे हैं, अस्पृश्यता नहीं जलाई है, बिना जलाए हुए बिना कुछ किए हुए उषा चौहान ने जो आपको अभी चादर उठाया है, आपको आपका स्वागत किया है, साथ बैठी हुई है। 2003 तक वो महिला होती थी, अछूत कहलाती थी, समाज से अपमान मिलता था, आज उसको इतना सम्मान मिल रहा है, सुलभ के प्रेजेंट भी है, और जहाँ जाती है लोग पकड़ के बुलाते हैं, बैठाते हैं, अपने साथ खाना खिलाते हैं। इनके साथ इतने लोग हैं जो पीले बस्ते बैठे हुए यहाँ पर, सभी अब ब्राह्मण बन गए हैं। तो इस देश में ऐसा एक समय आएगा कि जो महिला ढोल रहे हो वो ब्राह्मण बन जाएंगे, इसने कल्पना ही नहीं की, सोचा भी नहीं होगा कैसा हो सकता है। हमने वो कर दिखा दिया जो गांधी जी ने सोच पाए होंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में उसका सपना था कि जो मालिक के बच्चे हैं, लड़के हैं, और स्लेव्स के लड़के हैं, स्लेव्स के बच्चे हैं, जॉर्जिया के रेड हिल्स पर एक साथ बैठे। उसका सपना था कि मास्टर्स के लड़के और स्लेव्स के लड़के जॉर्जिया के रेड हिल्स पर एक साथ बैठे। हमने बैठने ही नहीं, हमने पूरी व्यवस्था को ही चेंज कर दिया। मैंने कहा जब हिंदू बन सकते हो, हिंदू से मुसलमान हो सकते हो, हिंदू से क्रिश्चियन हो सकते हो, हिंदू से बुद्धिस्ट हो सकते हो, तो फिर हिंदू में ही आप जो नीचे अवतार पड़ रहे हैं, जिससे उनका अपमान होता है, उसको छोड़ करके आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो जहाँ सम्मान मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हमने इस समाज में एक ऐसे परिवर्तन लाए हैं, इसी कल्पना जिसने की ही नहीं होगी, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो ही सकता है। अभी मैंने जो सर संचालक है मोहन भागवत जी जिसे मिलने गया था नागपुर में, हमने कहा सर हम लोग ब्राह्मण बना दिया हम लोगों को, बड़ा अच्छा किया, हम लोग ये काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि देश में जो है ये बट के नहीं चल सकता है, प्रेम से चल सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश सबों का है, सभी मिल करके ही हम एक अच्छा देश बना सकते हैं, मजबूत देश बना सकते हैं, और तभी हमारा विकास हो सकता है,
फिर कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, तो सबको प्यार करना पड़ेगा, सबको स्नेह करना पड़ेगा, सबको हंसाना पड़ेगा, सबके आंसू पोछने पड़ेंगे, तब जाके एक सुखद, आपने सुना होगा हमारे प्रार्थना में, सुलभ सुखद संसार, आओ हम मिलजुल के बनाए सुलभ सुखद संसार। सुखद संसार कब होगा? जब हम सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को स्नेह देंगे, सबके दुख तकलीफ में एक साथ देंगे, तभी जा करके एक अच्छा संसार बस सकता है। हमारे यहाँ अहंकार न करिए, घृणा नहीं करिए, सबसे प्रेम करिए सिखाया जाता है। एक कहानी हम बार बार कहते हैं, एक अहंकार को रोकने का तरीका जो है वो हम लोग बताते हैं लोगों को कि अहंकार कैसे रोक सकते हैं आप। तो एक बार जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो पहले दिन सीनेट में एक सीनेटर ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, पता है आपको कि मेरे पिताजी के जूता आपके पिताजी सीते थे, मेरे पिताजी के जूता आपके पिताजी सीते थे, मिस्टर प्रेसिडेंट आपको पता है? तो प्रेसिडेंट ने क्या जवाब दिया? अपने यहाँ होता पार्लियामेंट में बात मारपीट हो जाती है, ये फोन खड़ जाता, कुर्सी उलट जाती, ऐसा कह दिया तुमने, ऐसा कह दिया, फेंका फेंकी हो जाता, हल्ला हो जाता है। लेकिन अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया कि मिस्टर सीनेटर, यस आई नो, माय फादर वाज ए गुड कॉमनर एंड ही ट्विस्टेड गुड शूज एंड आई एम आल्सो ए गुड कॉमनर, आई कैन स्टिच ए गुड शू, इफ यू हैव योर शूज टू बी स्टिच्ड प्लीज सेंड, आई विल डू फॉर यू। कहा कि मिस्टर सीनेटर, ये मैं जानता हूँ मेरे पिताजी अच्छा जूता सीते थे, अच्छे कॉबलर थे वो, तो मैं भी अच्छा कॉबलर हूँ, मैं भी अच्छा जूता सीता हूँ। तो मिस्टर सीनेटर, यदि आपको जूता सिलवाना हो हमारे घर भेज दीजिएगा, हम सी के आपको भेज देंगे। ऐसा महान व्यक्ति का ऐसा जवाब ये अहंकार को समाप्त करता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कह दे प्रतिज्ञा तो छोड़ दीजिए, छोड़ कर कोई कह दे मारा पीट शुरू हो जाएगा, नहीं फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन महान, तो महान बनने के लिए कविता पढ़ी गई सामने में, वो कहा कि सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। मैं कहता हूँ उसके साथ साथ अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, तब जाके अच्छा इंसान रह सकते हो। आप आए मंत्री जी, आपका पूरा स्वागत है, अगर जिन्हें स्वागत किया है आपका पूरा स्वागत है, बहुत स्वागत है, और फिर भी आते रहिएगा। और जो हम लोग से बन पड़ेगा आपके सहयोग करने के लिए, सुलभ परिवार आपके साथ हरदम इबुल जी तो साथ रोगी साथ हम लोग रहते हैं, आइए प्रसिद्ध कार्य है, ये वैसे ही है जो कहानी बताई हमने अपना हम लिख करवा दी, ऐसे ही आती है है, लेकिन अहंकार में दम नहीं है, एकदम अहंकार नहीं है, फिर ये भी वैसे ही है। अच्छा भी मिले आपको, तो हम अरुणाचल सरकार को भी, आपको भी, सैनिटेशन के क्षेत्र में और कुछ क्षेत्र में जो भी काम करना हो हम आपका मिल के करेंगे, और आपके पत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जो कविता कहेंगे बहुत ही शब्द नहीं है, वो बहुमूल्य है और उसकी कीमत नहीं मिल सकती है। तो ये है कि जो सत्य बोलेगा वही संसार में आगे जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो पग-पग में मारा जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया है अपने समाज में, कहता है कि झूठ नहीं बोलोगे, बेईमानी नहीं करोगे तो बड़े आदमी बनोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसी धारणा इस देश में गलत चली गई है चारों तरफ कि झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, तभी बड़ा आदमी बनोगे। तो यह बात टोटल गलत है। जब सत्य बोलोगे, सत पर रहोगे, तभी अच्छा बनोगे। तो कविता बहुत अच्छी है, 5,000 रुपया पुरस्कार दिया जाता है। और कविता
ग्रस्तारी तो जो है सो है, लेकिन चूंकि सत्य को नहीं प्रेरणा है जी, तो आप माँ पिता से कहिएगा कि आज हमने प्रेरणा दी सत्य को देखी तो मुझे 5 हजार पुरस्कार मिला है, और जिस ग्रस्तारी जो कही है उसको 5 हजार मिलता है। उनके दंपति डॉक्टर मैडम का आप सभी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद।